हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर टेन आवर एनवायरनमेंट सो डू यू नो अबाउट एनवायरनमेंट क्या होता है एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट आप देखते हो हमारे चारों ओर का जो भी आसपास अपने देखते हो वातावरण होता है वो इन्वायरमेंट ही होता है मीन्स एवरी अराउंड अस कॉन्स्टिट्यूट्स आवर एन्वायरमेंट हमारे चारों ओर जो भी वस्तुएँ होती हैं जो भी चीज़ें होती हैं सभी मिलकर जो भी बनी होती हैं वो होती हैं इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट में क्या क्या होते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं फ्रॉम द कंपोनेंट्स ऑफ आवर एनवायरमेंट प्लांट्स एनिमल्स माइक्रोब्स आर पार्ट्स ऑफ आवर एनवायरमेंट सो दे ऑल आर द पार्ट्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट ह्यूमंस हैव इफेक्ट द इन्वायरमेंट इन अ नंबर ऑफ वेज लाइक क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट बिल्डिंग हाउसेज एंड फॉर्म्स मेकिंग रोड्स एट्सेट्रा तो बच्चों जो हमारे इन्वायरमेंट uh, में ह्यूमंस हैं वो क्या करते हैं सबसे ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं लाइक फॉरेस्ट की इतनी ज़्यादा कटिंग होती है तो फॉरेस्ट क्लियर हो जाते हैं हाउसेज बनते हैं और फार्म्स हैं रोड बनते हैं तो ये सारी एक्टिविटीज जो होती है वो एनवायरमेंट में की जाती है दिस हैज क्रिएटेड एयर वाटर एंड लैंड पॉल्यूशन ऑन द प्लेनेट और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि हमारी जो अर्थ है वो पॉल्यूट होती जाती है एंड वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन ऑन आवर अर्थ सो सम टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आर गिविन ही फर्स्ट है हमारा एयर पॉल्यूशन तो एयर पॉल्यूशन क्या होता है स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस रिलीज्ड बाय व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज लीड टू एयर पॉल्यूशन बच्चों क्या होता है कि जब हमारी एयर पॉल्यूट होती है ड्यू टू हार्मफुल सब्सटेंसेज जो हमारी एयर में मिक्स हो जाते हैं लाइक like जो हार्मफुल गैसेज होती हैं स्मोक होता है जो फैक्ट्री से और व्हीकल से निकलता है सो दे पॉल्यूट द इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन पॉल्यूशन फैलाते हैं और हमारी एयर को पॉल्यूट कर देते हैं बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक वुड कोल

पॉल्यूटेड एयर लीड्स टू डिसीज लाइक अस्तमा एंड लंग कैंसर और जब हम पॉल्यूटेड एयर को अंदर लेते हैं ब्रीथ करते हैं तो उसकी वजह से हमें भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जैसे अस्थमा हो जाता है लंग कैंसर होता है तो ये होता है आपका एयर पॉल्यूशन देन वी हैव वाटर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन एज अ नेम सजेस्ट आपको नेम से ही समझ में आ रहा है वैन इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड वेस्ट आर रिलीज इन वाटर बॉडीज इट लीड्स टू वाटर पॉल्यूशन ओके जब हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक जो वेस्ट होते हैं इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज वगैरह से निकाल दिए जाते हैं घरों से भी गंदा पानी निकलता है तो उससे हमारी वाटर बॉडीज़ क्या होती हैं इफेक्ट होती हैं और वो पॉल्यूट हो जाती है व्हेन फार्मर्स यूज एक्सेसिव वेन फार्मर्स यूज एक्सेसिव इन इन्सेक्साइड्स एंड पेस्टिसाइड्स द ग्राउंड वाटर गेट पॉल्यूटेड ह्यूमस एक्टिविटी सचेज बाथिंग एंड वॉशिंग क्लॉथ्स इन लेक पॉन्स एंड रिवर्स मेक दम पॉल्यूटेड ओके तो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक बाथिंग एंड वॉशिंग क्लॉथ्स लेक में जब हम करते हैं कपड़े धोते हैं नहाते हैं तो वो भी पॉल्यूशन फैलाते हैं आफ्टर इट वी हैव लैंड सॉयल पॉल्यूशन ओके कॉन्स्टेंट एंड एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर डिक्रीजेज सॉइल फर्टिलिटी एंड ऑल्सो पोल्यूट द लैंड जब हम बहुत ज्यादा ये केमिकल्स का यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं तो वो सॉयल की फर्टिलिटी को कम कर देते हैं जिससे लैंड पॉल्यूशन होता है सम वेस्ट इज लाइक प्लास्टिक बॉटल टिनस कैंस ग्लास कंटेनर्स पॉलिथिन बैग्स एंड रबर ट्यूब्स डू नॉट डिके दिस कॉज लैंड पॉल्यूशन तो इन सभी की वजह से लैंड पॉल्यूशन होता है नेक्स्ट वी हैव नॉइज पॉल्यूशन एक्सेसिव नॉइज जब ज्यादा नॉइस होता है तो उससे क्या होता है हमारे लाइक like, व्हीकल्स का लाउड स्पीकर का मशीन्स का तो वो बहुत ज़्यादा नॉइज पॉल्यूशन को फैलाता है नॉइज पॉल्यूशन से क्या होता है कि हमारे ईयर ड्रम भी डैमेज हो सकते हैं लीड टू डीफनेस हम बहरे भी हो सकते हैं इन सम केसेस इट ऑल्सो कॉजेज हेड एंड स्ट्रेस और इसकी वजह से हेड एंड स्ट्रेस हो जाता है